आज अनलॉक के दौरान सागौर पुलिस के द्वारा कस्बा सागौर में फ्लैग मार्च निकालकर अनलॉक के संबंध में गाइडलाइन बताकर व्यापारियों को और आम लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान जगह जगह लाउड हेलर से थाना प्रभारी एएस भदौरिया और स्टाफ के लोगों को कोरोना गाइडलाइन के नियमों पालन करने समझाइश दी गई और बिना मास्क पहने व्यक्तियों को सामान नहीं देने और फ्रूट सब्जी के ठेलों पर गली मोहल्ले में घूमकर बेचने साप्ताहिक हाट पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा आदि की समझाइश दी गई। पीथमपुर से संजय सोनकरा की रिपोर्ट। दुकानों के आगे इस प्रकार के गोले जैसे बनाए हैं, इसी तरह बनाना है और सोशल डिस्टेंस को पूरी तरह से मेंटेन करना है। लॉकडाउन खुला जरूर है पर बहुत सारी शर्तें हैं उसमें, उन सारी शर्तों का आपको पालन करना है अन्यथा आपकी दुकान भी सील हो सकती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है आपको, हम इसी माध्यम से हर चीज़ के बारे में बता रहे हैं। समय का विशेष ध्यान रखना है हमको कि जिस समय से किस समय तक रहना है, किस तरह से हमको इसका पालन करना है। अनलॉक हुआ है, फेस मास्क लगाकर ही वितरण करना है कोई भी सामान का, और जो भी आपका ग्राहक आता है वह भी फेस मास्क लगा के रखे। बगैर फेस मास्क के आपको किसी को सामान वगैरह नहीं देना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। वही गाइडलाइन जो कोविड की है सभी को मेंटेन करना है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये आपको जो पालन करना है। काफ़ी लंबे समय तक हमको इसका पालन करना है। ये बैंक में मैं हमेशा देखता हूँ बहुत सोशल डिस्टेंस का मेंटेन नहीं करते। कृपया सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करिए। आप लोग बैंक में किस तरह से लाइन लगी है, जरा दूर दूर हो जाइए आप। सोशल डिस्टेंस, मास्क बिल्कुल लगा के रखिए आप लोग। बगैर मास्क के कोई भी नहीं रहेगा। ये गमछा अमछा बांधने की जगह मास्क का इस्तेमाल करिए आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।